fourth chapter of SST in class 5. And what is your fourth chapter name is? Climate of Equatorial Region. तो हम इस chapter की बात करने वाले हैं. तो first of all, we'll have a look कि हम इस chapter में कौन कौन से topic पढ़ने वाले हैं. So let's see, your first topic is geographical location, second climate, third flora and fauna, and the next one is the people. So हम इन chapter में इन सारी चीज़ों की बात करेंगे. Let's get started. जियोग्राफिकल लोकेशन दैट मीन्स कि जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, वो जो चीज़ है या फिर जो भी चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, हम इसकी बात कर रहे हैं. सो द प्लेस इन साउथ अमेरिका वेयर द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट. ठीक है, अब अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है या फिर है, वो कहाँ पर है? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. इन अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ये लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, गुइना एंड कॉन्गो. अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनमें फैला हुआ है. और इंडिया की बात करें तो ये पेनिनसुला रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे. तो यहाँ पर आपकी कुछ लोकेशन दी है, हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की. तो आप देख सकते हैं ये रीजन जो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिकल डिसोल्यूस फॉरेस्ट, ये जो ब्राउन कलर में हल्का ब्राउन दिख रहा है इसमें है. ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये इसका लोकेशन दिया है, आप अपने पिक्चर आपकी बुक की पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं. लेट्स प्रोसीड, लेट्स बिगिन विद क्लाइमेट. इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. दिस रीजन इज कॉल्ड वेड एज इट फॉल्स इन द टॉरिड ज़ोन. And world's driest forest and driest desert belong to this belt. अगर हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें तो ये बेल्ट होती है जो इक्वेटर के दोनों साइड में होती है. ठीक है, फिर यहाँ की अगर हम बात करें, ये रीजन बहुत ज़्यादा हॉट और वेट होता है क्योंकि ये टॉरिड जोन में आता है. तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट और वेट है क्योंकि एकदम से डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे पड़ती है. उसके बाद वर्ल्ड्स डेंसेस्ट, दुनिया के सबसे घने जंगल, उसके साथ साथ में दुनिया के सबसे सूखे डेजर्ट भी इसी बेल्ट से बिलोंग करते हैं. रेनफॉल्स आर वेरी हैवी एंड फ्रिक्वेंट. यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी और फ्रिक्वेंटली होती है, ऑफन एकंपनीड बाय थंडरस्टॉर्म. ऑलवेज अपने साथ बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म लेके चलते हैं, बट आर कन्फाइंड टू अ स्मॉल रीजन. बट ऐसा होता है कि ज़्यादातर बारिश होती है वो स्मॉल स्मॉल रीजन पे, ऐसा नहीं है कि पूरे रीजन में एक साथ बारिश होती हो. द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई बिकॉज मॉइस्चर इवेपोरेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है एयर में, वो बहुत ज़्यादा होता है. रीज़न ये है कि जो उनके पास की वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि आपके रिवर्स, पॉन्ड्स और प्लांट्स, उनसे ये बहुत ज़्यादा वेपर कलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होता है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कॉज हो जाती है. एंड फॉर्म क्लाउड्स, और इससे क्लाउड्स बनते हैं. दिस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, ये दिन के समय भी होता है. एज द वाटर साइकिल इज मोर एक्टिव, क्योंकि रात में आपको पता है सन तो होता नहीं है, सनलाइट नहीं होती, तो दिन के समय में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव साइकिल होता है और इवेपोरेशन का काम बहुत तेजी से होता है. दिस रीजन हैज नो विंटर सीजन. अब जो ये टॉरिड जोन है, यहाँ पे कोई विंटर सीजन नहीं, ऑलवेज एक जैसा ही मौसम रहता है. दिस रीजन एक्सपीरियंस वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, दैट इज वाई द डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट फ्लरिश इन दिस सीजन. और जो इक्वेटोरियल रीजन है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, इसीलिए जो वर्ल्ड डेंसेस्ट फॉरेस्ट है वो इसी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. वो यहीं पर फ्लरिश होते हैं या फिर फलते होते हैं. लेट्स प्रोसीड, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरा. तो फ्लोरा मीन्स बेसिकली प्लांट्स. ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज द डिसीड्यूस फॉरेस्ट हैव अ लग्जरेंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को हम डिसीड्यूस फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. Trees of this region shed their leaves at a different times of the year. अब इस जो इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर शेड करते हैं. ऐसा नहीं है कि ऑटम आया और सब ने एक साथ अपनी लीव को शेड कर दिया, तो ऐसा होता नहीं है. ठीक है, एंड देयरफॉर द फॉरेस्ट रिमेंस एवरग्रीन. अब क्या है कि किसी एक प्लांट
ज्यादा स्पेशल फीचर, जो यहाँ के स्पेशल फीचर्स हैं, देखते हैं कौन सी लेयर होती है। द लोएस्ट लेयर द फॉरेस्ट फ्लोर, जो सबसे नीचे की लेयर है, निचली लेयर है, उसको हम फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं, जो कि बनी होती है डीकम्पोज लीव्स एंड फ्यूज से। जो फ्यूज पेड़ से निकल जाते हैं या लीव्स निकल जाते हैं, तो उनके डीकम्पोजिशन से बनती है, ठीक है। दैट हैव फॉलन फ्रॉम द अपर लेयर, जो कि अपर लेयर से गिरते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन दिस रीजन इज पुअर एज इट इज रिसीव्स वेरी लिटिल सनलाइट। अब जो फ्लोर भी जितने भी प्लांट्स होंगे, सीधी सी बात है, उनको ना ज़्यादा एयर मिलती है ना सनलाइट मिलती है, इसलिए जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा पुअर, बहुत कम होती है। द लेयर अंडर द स्टोरी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ट्रीज, अब जो इसके अंदर की लेयर है, अंडर स्टोरी लेयर जो है, उसमें स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे पेड़, फर्न्स, क्रीपर्स, श्रब्स एंड ऑर्किड्स, ये सारे प्लांट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। द लेयर अबव द फर्न्स एंड अम्ब्रेला लाइक लेयर कॉल्ड द कैनोपी, ठीक है। अब जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं, मतलब एक अम्ब्रेला लाइक, बहुत टॉल से पेड़ होते हैं, टॉल से प्लांट्स होते हैं, और वो ऊपर जाके एक अम्ब्रेला लाइक फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कैनोपी, ठीक है। द नेक्स्ट लेयर हैज द टॉलेस्ट ट्रीज, ठीक है। टॉलेस्ट ट्रीज आर नोन एज इमर्जेंट लेयर, जो सबसे टॉलेस्ट, ये मिडिल लेयर था, ठीक है, कैनोपी वाला, उसके ऊपर की जो लेयर है टॉलेस्ट ट्रीज की, जिसको हम इमर्जेंट लेयर कहते हैं। दिस लेयर रिसीव्स अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड रेन, और यही एक ऐसी लेयर है जो बहुत ज्यादा सनलाइट और बहुत ज्यादा रेन को फेस करती है। अबाउट फौना, फौना मतलब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, उनकी बात करते हैं। ह्यूज नंबर्स ऑफ एनिमल्स लिव इन रेन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स एंड मॉथ्स। अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, या फिर बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर क्या रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, वॉर्म्स रहते हैं, फिश मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे, एम्फीबियंस मतलब भेजर, ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इस टाइप के एनिमल्स मिल जाएंगे। द डिफरेंट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, अलग अलग जगह पे अलग क्लाइमेट है, तो वहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन मिलेगा, मतलब अलग प्रकार की फॉरेस्ट में आपको अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे। अ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अमेजन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, अगर हम लोग बात करें कुछ एनिमल्स की जो कि अमेजन फॉरेस्ट में है, जो कि आपके साउथ अमेरिका में है, वो है एनोकोंडा, गेको, टैरेंटुला, ट्री फ्रॉग्स एंड इगुआना। ये क्या है, कुछ टाइप की प्रजाति, जैसे एनोकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक होता है, गेको एक बड़ी सी छिपकली है, तो इस टाइप की कुछ ये एनिमल्स हैं। लेट्स हैव अ लुक, एनोकोंडास नेटिव टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द बिगेस्ट स्नेक ऑन द अर्थ। अगर हम एनोकोंडास की बात कर रहे हैं तो ये नेटिव होते हैं, या फिर बिल्कुल रहने वाले जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ही होते हैं, और दुनिया में या अर्थ में सबसे बड़े स्नेक होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्गो बेसिन की। कॉन्गो बेसिन एंड द रेन, कॉन्गो बेसिन एंड द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आर नोन फॉर गोरिल्लास। अगर हम कॉन्गो बेसिन और यहाँ की फॉरेस्ट की बात करें तो ये होम है गोरिल्लास के, चिंपैंजीज के एंड ऑरंगुटन, ये भी वन टाइप ऑफ मंकी की है। इन वाटर एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, टर्टल आर फाउंड हियर। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो यहाँ पे आपको एलिगेटर, वन टाइप ऑफ क्रोकोडाइल टू, ठीक है, तो ये सारी प्रजातियाँ आपको वहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद में अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिश इज ऑल्सो फाउंड हियर, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ी वेराइटी मिल जाएगी फिशेज की। कलरफुल बर्ड्स वो भी मिलेंगी एंड इंसेक्ट्स सच एज टॉकिंग्स, पैराकीट्स, मकाउस, हमिंग बर्ड्स एंड पैरट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कलरफुल बर्ड की, तो इसमें आपका टॉकिंग्स एक ऐसी बर्ड है, ठीक है, ये ऐसी बर्ड है जिसकी जो बीक है बहुत ज़्यादा लंबी रहती है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे आपके बर्ड्स और बर्ड्स की ही प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द पीपल, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ट्राइब रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू ट्राइबल पीपल हु रिलाई ऑन देयर सराउंडिंग्स फॉर फूड एंड शेल्टर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत सारे ट्राइबल्स के होम हैं, जो कि डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड और अपने फूड के लिए इन सारे जंगलों पर। इन अफ्रीका, अफ्रीका में फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर नोन एज पिजनीज। अगर हम लोग बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में जो जंगल में लोग रहते हैं उन ट्राइब्स को हम पिजनीज बुलाते हैं। उसके बाद जारावास बुलाते हैं, जारावास बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहाँ पे रहने वाली ट्राइब को हम जारावास कहते हैं। सिमांग ऑफ मलेशिया, मलेशिया में जो ट्राइब बिलोंग करती है उसको हम सिमांग कहते हैं।
सिर्फ वन टाइम का टाइम फूड बन जा रहा, ऐसे लोग इनका कोई अपना घर नहीं होता, सिर्फ खाने पीने के लिए वो वन प्लेस टू अदर प्लेस रोमिंग करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. ओके, ट्राई टू स्पेंड देयर टाइम इन हंटिंग एंड गैदरिंग. ठीक है, जितने भी नॉमेडिक्स टाइम ट्राइब होते हैं वो हंटिंग और गैदरिंग फूड का ही काम करते रहते हैं. स्टिल दीज नेटिव्स कैन टीच अस अ लॉट अबाउट द रेन फॉरेस्ट. फिर भी ये जो नेटिव्स हैं या फिर ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं रहने वाले, हमको इन रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं. मेडिसिनल प्लांट्स यूज फॉर ट्रीटिंग इलनेस. यहाँ पे ये लोग जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हैं डिजीज को ट्रीट करने के लिए. एंड इकोलॉजी ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट. ठीक है, इकोलॉजी भी उनकी उनको सपोर्ट करती है. सम ऑफ देम बिलोंग्स टू द फार्मिंग कम्युनिटी. यहाँ पे जो कुछ ट्राइब है वो फार्मिंग कम्युनिटी से भी बिलोंग करती है. सो जो यहाँ के ट्राइब्स हैं दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. जैसे जैसे वो फूड गैदरिंग और हंटिंग का काम करते हैं तो वहाँ से उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना या फिर एग्रीकल्चर की तरफ को शिफ्ट हो गया. दे क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय बर्निंग इट एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर अराउंड 2 to 3 years. अब वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी लैंड को क्लीन करने के लिए उसे बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, उसके बाद वहाँ पर 2 or 3 years तक क्रॉप करते हैं या फिर कल्टिवेशन करते हैं. आफ्टर द लैंड टर्न्स इनफर्टाइल दीज ग्रुप्स मूव्स टू अ न्यू एरिया. अब होता क्या है कि जब बार बार उसी लैंड पे सेम क्रॉप्स को लगाया जाता है, ठीक है, बोला जाता है, तो फिर वो लैंड जो है वो इनफर्टाइल जाती है, बैन हो जाती है. जैसे ही वो बैन होती है वो उस प्लेस को लीव करके अनदर प्लेस पे मूव कर जाती है. और आपको पता है इंडिया में इसको हम कहते हैं झूम कल्टिवेशन. क्या कहते हैं, झूम कल्टिवेशन, मतलब क्रॉप्स करते हैं उसको जला देते हैं, फिर क्रॉप्स करते हैं जला देते हैं. तो इससे क्या होता है, वो लैंड जो है वो बैन हो जाती है एक दिन. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. उसके बाद आफ्टर द लैंड टर्न्स इनफर्टाइल दिस ग्रुप मूव्स टू अ न्यू प्लेस. एज आई टोल्ड यू, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकिंग बाय द पीपल ऑफ दिस रीजन. अगर हम लोग बात करें कि इनके इनकम का और क्या सोर्स है तो वो है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. एज आई टोल्ड यू कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर बहुत ज़्यादा कंजर्व करते होते हैं लोग, है ना. यहाँ पे वाटर बॉडीज से वाटर कंजर्व होता है और वाटर से ही जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है, टर्बाइन्स वगैरह यूज करके या फिर रिवर पर डैम बना के इस टाइप की हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं. और ये इनकी इकोनॉमिक वेलफेयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है. ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए. उसके बाद अदर्स इंक्लूड कॉपर एंड स्टोन माइनिंग, फिशिंग, माइनिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी हैं जैसे कि आपका कॉपर हो गया, स्टोन हो गया, इनकी माइनिंग भी होती है. फिशिंग एक बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज, मतलब आपको फिशरी कल्चर भी बहुत ज़्यादा फॉलो होता होगा. माइनिंग भी होती है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. लेट्स रिकैप कि हमने क्या क्या पढ़ा है इन फ्यू वर्ड्स. लेट्स रिकैप इट. इन इंडिया इकोनॉमिकल रेन फॉरेस्ट कवर द पेनिनसुला रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अगर हम बात करें कि इंडिया में कहाँ पर है हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, तो ये है हमारे पेनिनसुला रीजन में, उसके साथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड में. उसके बाद इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर. एज आई टोल्ड यू ये टॉरेंट जोन में आती है. टॉरेंट जोन जो है इक्वेटर के दोनों साइड की लैंड होती है और यहाँ का क्लाइमेट वेट और बहुत ज़्यादा वेट रहता है. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज द डिसीडियस फॉरेस्ट हैव अ लग्जर एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को हम डिसीडियस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. यहाँ के प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो एक अलग लेवल की रहती है. ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे द डिफरेंट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स. सीधी सी बात है, जितनी भी पॉपुलेशन है अलग अलग जो रेन अलग अलग जो फॉरेस्ट है वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी, नो डाउट. नेक्स्ट है पीपल ऑफ दीज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो बिलोंग टू द फार्मिंग कम्युनिटी एंड दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. तो यहाँ के लोग सिर्फ जंगलों पर ही डिपेंड नहीं है, वो एग्रीकल्चर भी करना सीखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस चैप्टर. इफ यू लाइक देन प्रेस द लाइक, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. And see you in the next class. Thank you so much for your precious time.